चलेंगे भाई साहब, कोशिश करते हैं बाइक को ऊपर ले जाने की। चढ़ गया भाई, चढ़ गया, अल्लाह का नाम ले। चलो जी, ये तो भाई 4x4 है, देखो क्या बनता है। नहीं भाई, नहीं 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 भाई, नहीं नहीं नहीं, मुश्किल है मुश्किल है। तेरी खैर हो जाए। भाई साहब फिर से वाटर क्रॉसिंग और ये लग भी हैवी रही है। चलो अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर खैर। निकल अब जाना है महोदय, निकल और निकल जा। यार क्या करूँ, एक से बढ़कर एक नज़ारा आ रहा है। हाय हाय हाय, ये देखे, तेरी खैर हो जाए। मैं बिल्कुल कलाम शहर में अपने होटल से रेडी हो के निकल रहा हूँ महोडन झील के लिए। पिछली वीडियो आपने मेरी देखी थी कि किस तरह मैंने कलाम का सफ़र किया था। तो अभी बाइक को रेडी करते हैं, मैंने ज़्यादा सामान इधर ही होटल में रख दिया, एक छोटा बैग साथ लेके जा रहा हूँ। तो महोडन झील देखने का मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है जो आज पूरा होने वाला है, और वो भी अपनी 70cc बाइक पर। तो बाइक को रेडी करते हैं और निकलते हैं सीधा महोडन झील की तरफ। तो चलिए, चलो जी, बिस्मिल्लाह, कमरा लॉक करते हैं और बाइक निकाल के फिर निकलते हैं मॉडर्न की तरफ। चलें जी, बाइक को खाली कर दिया बिल्कुल ही, और सामान जो था सारा रूम में रखा है, और क्योंकि रास्ते में ना बर्फ़ पड़ी है, मॉडर्न के रास्ते में ग्लेशियर पड़े हैं तो वहाँ से मसला बनेगा, इसलिए सामान सारा उतार के रख दिया। आराम से जो है ना ईजी होके जाएंगे। पेट्रोल शेट्रोल डलवा लिए, बाइक ओके है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चले, रात को मैंने वापसी इसी होटल में आकर रुकना है। टूरिस्ट आए हुए हैं इधर काफी सारे ना। रश ही रश है भाई कलाम शहर में, रास्ता दे दो भाई। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे महोडन पहुंचते में। कलाम बाजार से बाहर निकल आया हूं और ये रास्ता जा रहा है सीधा महोडन झील की तरफ। यहां से जंगल शुरू हो गया है। यहाँ से जंगल शुरू हो गया है, अब आगे का जो सफ़र है वो खूबसूरत जंगल से होकर महोडन झील की तरफ जाएगा। रास्ता कैसा है नहीं पता, पहली दफ़ा जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आराम सुकून से जाएंगे। नज़ारे एंजॉय करते हुए चलते हैं महोडन झील की तरफ। घना जंगल स्टार्ट हो गया भाई यहीं से। यार बहुत पाकिस्तान में मैंने सफ़र किया है, पाकिस्तान की बहुत सारी खूबसूरत इलाके देखे हैं, लेकिन जो मेरे जहन पर सवार थी ना, जो बार बार मेरा ख्वाब था कि इसको मैं जाके देखूं, वो थी महोडन झील। और जब से ये टूर मैंने प्लान किया है तो मैं आपको बता नहीं सकता कि ये वक्त मेरा कैसे गुजरा है। मैं हर रोज़ कहता था यार पता नहीं कब ये वो दिन आए कि मैं घर से निकलूँ और इस ख़ास कर महोडन की तरफ जाऊँ। तो आज 6वां दिन है मुझे घर से निकले हुए, और आज जाके मैं कलाम पहुँचा हूँ और सीधा अब अपनी मंजिल महोडन झील की तरफ जा रहा हूँ। ये है जनाब अली खूबसूरत जंगल, इसको कहते हैं ओशू फॉरेस्ट, ओशू जंगल। दिल ने ये कहा है दिल से, ये नज़ारे चेक करो जनाब।
दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिलबर, मेरा एतबार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से। मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। क्या नजारा है, खूबसूरत, कमाल। मॉडर्न झील कैसी होगी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन रास्ता कमाल का है, नज़ारे कमाल के हैं, जंगल कमाल का है, और सामने पहाड़ों पर बर्फ भी कमाल की है। अब ये नहीं पता कि ये रास्ता कहाँ तक साफ है, आगे मेरे ख्याल में कुछ ख़राब भी है, टूटा हुआ भी आएगा, लेकिन अभी तक तो ये पक्का रास्ता है। अरे हो गया है मुझको तो प्यार सजना, लाख कर लूं मैं इनकार सजना, ये है प्यार सजना, दिलदार सजना, ये है प्यार सजना। यार यकीन करें, आज तो दिल जो है ना गार्डन गार्डन हो गया, खुश हो गया दिल, बाग बाग हो गया यार, कमाल, मजा आ गया यहाँ आकर। 70cc बाइक ने मजे करवा दिए भाई साहब। हाँ भाई, घोड़े देख के ले जनाब मॉडर्न के रास्ते में पहली वाटर क्रॉसिंग, जो कि बड़े ही सुकून से करनी पड़ेगी बच बचा के। चलो जी, आराम से भाई साहब, आराम से, क्योंकि नीचे जो पानी है ना, मिट्टी ये जरा स्लिपरी है, तो ऐसा ना हो कल वाला सीन हो जाए, कल तो उतराई पे गिरा था ना मैं। चलो अल्लाह खैर करे, सी आराम आराम से चलते हैं भाई। कैसा रास्ता है, कैसी मंजिल है, ये कैसा एहसास है, पास दरिया है दूर सहरा है, फिर भी क्यों प्यास है। जीपे ही जीपे भाई साहब, जीपे ही जीपे, ढेर लग गया भाई जीपों का तो। अच्छा ये चक्कर है, ऐसा रास्ता है, दरिया है दूर सहरा है, फिर भी क्यों प्यास है। नजारे यहाँ पर तरफ पुल के, ओए होए होए होए, आगे नीचे चलते हैं। नहीं यार, हम नीचे नहीं जाएंगे। सुभान अल्लाह यार, वहाँ से पानी आ रहा है, ये खूबसूरत। बस निकलते हैं अब यहाँ से, मेरे ख्याल में ये चेकिंग कर रहे हैं, ये क्या सीन है नहीं पता। ठंडा ठार जी ड्रिंक्स यहाँ से आप ले सकती हैं, ठंडे ठंडे ड्रिंक्स ले सकते हैं आप यहाँ। ये जी रास्ता आगे जा रहा है मॉडर्न की तरफ, असल ऑफ रोडिंग। अब पहले गियर वाली बात आ गई है भाई, अब ये नहीं पता ये कितना है कि ऐसा रास्ता है, लेकिन ये असल काम है। मजा आएगा इस रोड पे भाई, चढ़ाई भी शुरू हो गई है,
चलें जी मोहटन की खूबसूरती देखने के लिए। कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, कुछ बाइक मेहनत करेगी, कुछ मैं करूँगा, दोनों मिलजुल के चले जाएंगे ऊपर। चल चल 70 चल, लोगों की बातों को सच्चा नहीं करना। यहाँ का हर दूसरा मकामी यही कहता है कि 70 नहीं जाएगी, लेकिन भाई हमने तो जाना है, गिरते पड़ते पहुँचना ज़रूर है। हाय 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 हाय, पानी पानी है सारा, पानी पानी, आज तू है पानी पानी, मैं नहीं हूँ। आए ओए फिर से पहला गियर, पहले गियर में भी भाई पहला ही गियर लगाना पड़ रहा है ज्यादातर। यहाँ से ज़रा नज़ारा मैं आपको दिखाऊँ एक खूबसूरत, ये देखें जनाब। हाय 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 हाय, कमाल हो गया यार, क्या खूबसूरती है। अभी मैं मॉडर्न के रास्ते में ही हूँ। कितना दूर है यार झील जहाँ से? मॉडर्न झील कितनी दूर है? कम से कम तुम्हारे घंटा लगेगा यार। एक घंटा लगेगा? हाँ। फिर सही है, फिर तो रास्ता ये है, सही है भाई, सीधा सीधा है, सीधा ठीक है। बहुत शुक्रिया। कैसा रास्ता है, कैसी मंजिल है, कैसा एहसास है, मज़ा आ गया ना भाई साहब, नज़ारा देख के दिल खुश हुआ कि नहीं, कमेंट करके बता दो यार। हाय हाय हाय, सब्सक्राइब तो आप लोग करते नहीं हो, चलो कमेंट करके बताओ तो सही कि नज़ारा कैसा लगा आपको। यार इधर जगह जगह पर काम हो रहा है, रोड बन रहा है, तो धूल मिट्टी और बड़ा काम खराब है, आलूदगी है, लेकिन ये जो नज़ारे हैं ना, ये कमाल है भाई। हाय हाय हाय, मज़ा आ गया। ये देख रहे हैं आप, ये सारा काम ख़राब हुआ पड़ा है क्योंकि रोड यहाँ पे अब बन रहा है, काम हो रहा है जगह जगह पे, तो इस वजह से जो है ना थोड़ी सी डिस्टर्ब, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। जब सामने ये नज़ारे देखता हूँ तो भाई साहब मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। ओ तेरी खैर हो जाए, सामने देखें यार, ओए हो कमाल। यहाँ पर एक और खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है, ये देखें आप, बहुत बड़ा ग्लेशियर पड़ा है वो आगे तक और इस साइड पर भी, तो इन इस ग्लेशियर के दरमियान से गुजर कर जाना है आगे। चल भाई बाइक रेडी हो जा, ये देखें हाय हाय नज़ारा। ओए होए बड़ा सख्त है यार, बर्फ बड़ी सख्त है। चलो चल भाई आगे चल। ये देखो भाई साहब, हाय 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 कमाल, बहुत बड़ा ग्लेशियर पड़ा है, ओए हो बड़ा खूबसूरत है यार, बिल्कुल वाइट बर्फ। ये देखें आप, ये चेक करें, तेरी पैर। चलो भाई गाड़ी वाले थोड़ा सा रास्ता दे दें, अगर माइंड नहीं करें तो। अबे यहाँ पे गोले भी मिल रहे हैं, अगर आप यहाँ से खाना चाहते हैं तो ये सीन भी है, गोले भाई यहाँ से ताज़े ताज़े बर्फ़ के। ये देखें एक गोला बनाना यार, देखें भाई साहब ज़रा फिर बचपन की यादें ताज़ा कर लें यहाँ पर, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। चलो जी
यहाँ से बचपन की यादें ताज़ा करने के बाद अब निकल रहे हैं। ये बड़ी गाड़ी जा रही है भाई साहब। फिर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर आ गया सामने दोनों तरफ से। ये तो काफी बड़ा है यार। तेरी खैर हो जाए, तेरी खैर हो जाए। यहाँ पे मैंने कहा था ना कोई ऐसा नज़ारा जो रुकने पे मजबूर कर दे तो रुकूंगा ज़रूर। हाय हाय, ये देखें कमाल की खूबसूरती भाई साहब, कमाल, मज़ा आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से जी चढ़ाई हो गई है फुल शुरू और रास्ता बिल्कुल जो है ना कच्चा ही आ गया। ओ तेरी खैर हो जाए, खैर हो जाए यार। इतना खूबसूरत ग्लेशियर से पानी आ रहा है यार, बिल्कुल वाइट दूध जैसा, ऐसे लग रहा है किसी दूध का चश्मा बह रहा हो। वहाँ ग्लेशियर से निकल कर आ रहा है और इस दरिया में नीचे मिल रहा है। हाय हाय हाय, चल भाई ऐसे नज़ारे जब आते हैं तो भाई ब्रेक खुद ब खुद लग जाती है यार, क्या करूँ, एक से बढ़कर एक नज़ारा आ रहा है। हाय हाय हाय, ये देखें, अरे तेरी खैर हो जाए। पानी चेक किए, ऐसे लग रहा है दूध की नहर बह रही हो। हाय 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 हाय, चलो भाई अभी मॉडर्न झील भी देखनी है। सारी खूबसूरती रास्ते में है, पता नहीं झील कितनी खूबसूरत होगी। भाई साहब इधर से सीन ये हो गया कि ये असल रास्ता ये जो जा रहा है, लेकिन वहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता ख़त्म हो गया। अब ये नीचे से होके दरिया से गुजर कर जाना पड़ेगा और ये काफ़ी ख़तरनाक है। ओए तेरी खैर, अबे ये कैसे गुजरूंगा मैं इतने पानी से, काम ख़राब नहीं हो जाएगा? चलो अल्लाह का नाम लेके करते हैं कोशिश। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, और तेरी खैर, तेरी खैर। बाइक में पानी नहीं जाना चाहिए बस। ओ तेरी खैर, गाड़ी वाले आ गए, तूने क्या कर दिया, गलत जगह पे रोक दिया तूने भाई, हमने भी निकलना था और गलत जगह पे रोकी है भाई तूने। इतनी इतना पानी यार, गाड़ी वाले ने सारा मोशन तोड़ दिया। चल भाई जेब वाले, तेरी खैर, शेर लगे, शेर निकल जा, निकल जा। और जा 70 जियो। एक वाटर क्रॉसिंग की है मैंने और अभी ये एक और खतरा, एक और एडवेंचर, एक और इम्तिहान। ओए होए होए, चलो अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, कोई मसला ना बने भाई। ये मेरा, ओए तेरी खैर हो जाए। इतना भी आसान नहीं है भाई मॉडर्न झील का सफ़र करना, और वो भी 70 पे। ओए तेरी खैर, हाँ चल 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 चल, अब छोड़ दे, अब जोर लगा, चल। ओए होए होए, बहुत मुश्किल है मॉडर्न झील करना, इतना भी आसान नहीं है भाई साहब। होए होए, सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। हाय बाइक का, बाइक को कह रहा हूँ कि अभी ऐसा ना समझी कि पहुँच गए हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। हाय 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 हाय, आज तेरी खैरान, ये इश्क नहीं आसान। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हाय हाय, मज़ा आ गया भाई सफ़र का, मज़ा ही आ गया सफ़र का। भाई साहब आप लोगों ने अभी तक लगता है चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, आए तेरी खैर, और कुछ कमेंट भी कर दें। हाय 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 हाय,
शाबाश 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 बच्चे शाबाश। अभी चलना है, अभी रुकने का कोई सीन नहीं, कोई सीन नहीं, रुकने का चढ़ाई आ गई है तेरे लिए एक और। चलो चलो, खैर है खैर है खैर है, अब थोड़ा सा अब जाके सांस में सांस आई है। आए जी, यहाँ पर मेरे ख्याल में आगे ग्लेशियर आ गए, क्योंकि सारी जीपें इधर ही रुकी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। अब देखते हैं आगे चल के हमारा क्या होता है। बाइक को कोशिश करता हूँ यार किसी ना किसी तरह ना ग्लेशियर से क्रॉस करके ले जाऊँ आगे। उसकी रीज़न भाई ये कि मज़ा आएगा जब बाइक ले कर जाऊँगा वहाँ पर झील के किनारे पर। अब क्योंकि इतना सफ़र करके आए हैं और एंड में बाइक इधर खड़ी करके जाएँ, अब इतना सफ़र और मुश्किल रास्ता करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अगर अब बाइक इधर खड़ी करके पैदल जाऊँ ना, रास्ता भले 10 मिनट का भी हो लेकिन मज़ा नहीं आना। सुकून तब पहुँचेगा जब ये होंडा हाय 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 झील के किनारे जा के ब्रेक लगाएगा। चलो कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। यार ये तो काफ़ी बड़ा ग्लेशियर पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ग्लेशियर पड़ा है। गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, मैं भी ले आता हूँ बाइक, है तो बहुत मुश्किल। चलो देखें भाई गाड़ी चढ़ती है कि नहीं। चलो जी, ये तो भाई 4x4 है, देखो क्या बनता है। नहीं भाई नहीं 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 भाई नहीं नहीं नहीं, नहीं मुश्किल है मुश्किल है। बड़ा औखा है भाई। चलो अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, तो मुझे रास्ता दे, मैं किसी तरह बाइक ले आता हूँ। चलें जी भाई साहब, कोशिश करते हैं बाइक को ऊपर ले जाने की। चढ़ जा भाई चढ़ जा, अल्लाह का नाम ले, तेरी खैर हो जाए। शुक्रिया यार। थोड़ा सा रह गया नीचे उतरना बस। शुक्र है यार, बड़ी मुश्किल से ग्लेशियर क्रॉस कर लिया है, तो ले जाना झील के किनारे पे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, बस अब खैर खैरियत से पहुंच जाऊं। बड़ा मुश्किल था यार ग्लेशियर, बड़ा मुश्किल था जिसको मैंने क्रॉस किया, लेकिन ये है कि ग्लेशियर को मैंने कब क्रॉस करना ही करना है, बाइक को ले ही जाना है। अब नज़दीक आ गया हूँ, मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है, अल्लाह खैर करे पहुँच कर ही दम लेंगे। आय हाय हाय, देख रहे हैं आप लोग पैदल आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि ग्लेशियर से आगे कोई गाड़ी नहीं आ सकती, ग्लेशियर इतना बड़ा बड़ा था रास्ते में, तो वो सारी जीपें उधर रुकी हुई थी। पैदल चलने का मुझे मसला नहीं था, मैं 2-3 घंटे भी चल सकता था, लेकिन कहते हैं ना ख्वाब पूरा करना ये बड़ा मुश्किल होता है, और करना चाहिए मुश्किल जितनी भी हो। ये वो पहला पॉइंट है झील का, यहाँ से आपको कश्ती में बिठाया जाता है, यहीं से आप कश्ती में बैठेंगे और झील का पूरा चक्कर लगा के वापस आ जाएंगे। यही है वो पहला पॉइंट। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद
बिल आखिर मैं अपनी बाइक समेत मोहडन झील तो पहुंच गया, लेकिन मेरे लिए असल इम्तिहान अभी बाकी था। वो क्या है अगली एपिसोड में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। इकबाल ने कहा था ना, तू मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। बस ऐसा ही कुछ नया ढूंढने यहाँ से आगे ज़रूर निकला था, लेकिन कहते हैं ना कि इम्तिहान किसी भी जगह आ सकता है, तो बर्फ़ में पूरी तरह फंस गया था मैं। लेकिन अगली एपिसोड का इंतज़ार कीजिए।